नमस्कार, और आप देख रहे हैं यूपी बिहार न्यूज, हरेंद्र शर्मा के साथ। खबर जनपद कुशीनगर से है। आज भी आशाओं का धरना प्रदर्शन जारी, और आशा बहनों ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के द्वारा हमें आश्वासन मिला है, अगर आश्वासन मिलने के बावजूद भी अगर पेमेंट खाते में नहीं आया तो कल के डेट में डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। आज कौन सा दिन है आप लोगों को धरना बैठे हुए? आज हम लोगों का सातवां दिन है, सातवां दिन हो गया। ये बताइए कि कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? सुनवाई नहीं हो रहा है क्या? जब तक ले हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी तब तक ले हम लोग बैठेंगे। हम लोगों के पास विधायक जी आए थे, आश्वासन देकर चले गए। जो लोग आते हैं वो आश्वासन देकर ही जाते हैं, वो भी आए हैं, आश्वासन देकर गए हैं। वो ये भी कहे हैं कि आज शाम तक आप लोगों का पैसा नहीं जाएगा तो हमारे पास फ़ोन कीजिएगा। लेकिन ठीक है, विधायक जी का जो कहना था वो कहे हैं, लेकिन हम लोगों की भी जो कहना है वो हम लोग भी कहे हैं। आज हम लोगों का सातवां दिन हो गया धरना देते हुए, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आज अच्छा, चार दिन पहले सीएमओ साहब के पास कभी कॉल किए थे आप लोग? नहीं, हम लोग सीएमओ के पास कॉल हम लोग नहीं किए हैं। हम अपने एमओआईसी सर को ज्ञापन दे रहे हैं, हमारे एमओआईसी सर के तहत से उनके पास सूचना तो जाता ही है। लेकिन हमारा मुख्य मांग है कि जो हम लोगों की प्रोत्साहन धनराशि है वो तो बाकी है ही है, जो मध्य का जो भी पैसा है, हम लोगों का बढ़ोतरी है, हमारी संगनी है, उनका 24 विजिट का पैसा नहीं जा रहा है, 1250 रुपया नहीं जा रहा है। जो मेरी आशाओं को 750 रुपया गया था उसके बाद से 1500 रुपया पचास हुआ है वो भी नहीं गया है, जो बढ़ोतरी है वो नहीं जा रहा है। 6 महीना से हम लोगों का बकाया धन भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि भाई दबे अगर आज शाम तक भी पैसा अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग आगंतुक कोई कार्रवाई करिएगा? हम लोग एक कार्रवाई करेंगे, कल हम यहाँ से जुलूस निकलवाएंगे, रोड शो कराएंगे, और यहाँ से हम लोग यहाँ से डीएम साहब के पास हम लोग पैदल चल के जाएंगे। सारी आशा और आशा संगनी पूरा डीएम साहब को पूरा 14 ब्लॉक की मैं संगनी अध्यक्ष हूँ किरण तिवारी। अगर हम लोगों की बातें नहीं मानी गई तो मैं पूरी आशा और पूरी जनपद की संगनियों को लेकर मैं रोड शो करके और डीएम साहब को और सीएमओ साहब को घेराव कराएंगे, उनको बंदी बनाएंगे, वहाँ ताला बंद करवाएंगे कि हमारी आवाज को क्यों नहीं सुन रहे हैं। हमारी आवाज नहीं सुनेंगे तो मैं उनको बंदी बनाकर ताला बंद करके सुनवाऊंगी। ये मेरा वादा है, मैं 14 ब्लॉक की संगनी अध्यक्ष हूँ। ये मेरा पार है कि मैं अपनी बहनों को लेकर और रोड शो कराएंगे, नहीं मेरी बात को मानी जाएगी तो मैं वहाँ घेराव कराऊंगी, वहाँ ताला बंद कराऊंगी। मेरा यही मांग है।